नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव एवं मध्य प्रदेश से प्रभारी सीपी मित्तल ने जिला कांग्रेस सहित समस्त संगठन प्रकोष्ठों की बैठक ली, जिसमें पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें रामवीर सिंह सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष अजब सिंह पंवार, कार्यकारी जिलाध्यक्ष दिलीप केदार मेवाड़ा व अशोक परमार, पूर्व नपाध्यक्ष श्रीमती रचना जैन, प्रदेश सचिव गजेंद्र सिंह सोदिया सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्षों की उपस्थित रही। श्री मित्तल एवं श्री वर्मा ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनाओ और पार्टी संगठन को मजबूती देने में विशेष योगदान अदा करो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्यप्रदेश में जनता कमलनाथ को फिर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर उत्सुक है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने जो कार्य 15 महीने में किए थे उससे जनता तो प्रभावित थी, बस विपक्षी पार्टी ने षड्यंत्र कर सरकार को गिरा दिया था। अब फिर से जनता कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप बस इतना अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, वो दिन दूर नहीं जब सत्ता पलट होगी। कार्यक्रम का संचालन मंगल सिंह राठौर ने किया व आभारी व कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव परमार ने व्यक्त किया। शुजालपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। जिस तरीके से आज यहां प्रत्येक पोलिंग, प्रत्येक गांव से यहां हमारे कांग्रेस के सिपाही मौजूद हैं, यही स्पष्ट करता है कि कांग्रेस बीजेपी जितना चाहे कभी जिंदगी में कांग्रेस खत्म नहीं कर सकती। आज मध्य प्रदेश शासन में कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री, हमारे शाजापुर देवास जिले से सांसद रहे परम आदरणीय अंकल जी श्री सज्जन वर्मा जी, दिल्ली से राष्ट्र सचिव पधारे परम आदरणीय सीपी मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय बंटी बना जी, शुजालपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय पिताजी, मजबूती प्रदान की जाए। साथ ही जो अक्टूबर से लेकर आने वाली 31 मार्च को सदस्य अभियान खत्म होगा, उसमें हमारे जिले से खास तौर पर सुजानपुर विधानसभा में हमने कितने सदस्य बनाए हैं, क्या है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेने के लिए और जो बच गए उनको पूरा करने के लिए आदरणीय हमारे बीच में सीपी मित्तल चर्चा आपको करना है, वो माननीय सीपी मित्तल साहब से सज्जन बिहार साहब अलग से भेंट के कर सकते हैं। को जिलाध्यक्ष बना दिए गए, फिर भी 6 महीने तक नाम डिक्लेयर नहीं। कोशिश यही है हमारी कि हम कांग्रेस पार्टी की नीति और नीति को लोगों तक पहुंचाएं और असली जो कांग्रेस का उस समय में अभी जो वर्तमान में जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र चल रहा है उसके बारे में बताएं। दूसरी बात थी कि यह जो मंथन कार्यक्रम था या समीक्षा बैठक थी, यह सुजालपुर और अन्य जो जगह है जहाँ पर लगातार कांग्रेस को विजय के साथ की कोशिश के बाद भी अपने इतने कार्यकर्ताओं के जो इतनी मेहनत के बाद भी यदि बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो उनकी समीक्षा बैठक है उन जगहों में जहाँ जाके हमारे जो दिल्ली से प्रभारी आए हैं वो ये बात कर रहे हैं। देखिए ये बात तो कहती है परिवार बढ़ाओ कुटुंब बड़ा होता है तो लोग उसमें बहुत सब तरह के लोग होते हैं। आज हम अपने घर में भी देखें, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, यदि परिवार के तो हर की विचारधारा मिलती नहीं, हो जाता है ऐसा, लेकिन हम उनको दूर हटाकर अपनी बात करना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो सुजालपुर की बात करूँ, क्योंकि बोलते ना घर सुधरेगा तो हम सब सुधरेंगे। हम क्या गति लाने के अंदर किस प्रकार के कार्यक्रम
चलाने चाहिए, उन सब के बारे में भी अगर आपके सजेशन होंगे तो कृपा करके आपके जो सजेशन होंगे वो भी बताएं, और अगर कोई और सुझाव भी होगा तो वो भी आप अपना पंचायत में भी चुनाव आ रहे हैं और नगर निगम नगर पालिका भी चुनाव आ रहे हैं, पहले ये चुनाव है तो एक साथ चुनाव की श्रृंखला चलेगी, तो हमारी तैयारी अभी से है कि पंचायत का चुनाव या विधानसभा का तैयार हमने उसका मूल कारण क्या है कि हमारी सरकार तो बनी थी भाई, सरकार कहाँ, कांग्रेस कहाँ आ रही। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को चुन के दिया, कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए, छल और कपट से भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसे से विधायकों को खरीद के हमारी सरकार को गिराया गया। ये पीड़ा आज भी मध्य प्रदेश की जनता के मन में है कि हमने शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, भ्रष्टाचार के पैसे से गिराया है, और अब की बार उसके मन में ये है कि इतनी बंपर मेजोरिटी से कांग्रेस को जिताएंगे, ये खरीद फरोख्त का खेल है। कांग्रेस के आपसे एक विधानसभा की हार और जीत से आंकलन नहीं कर सकते, मैं समग्र संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता ने हमारी झोली में सरकार लाके डाली थी, पर हमें नहीं पता था कि विधायक और सांसद भी बिकते हैं, उनका जमीर बिकता है, विधायक और सांसदों का जमीर बिक गया और बीजेपी ने खरीदा है। हम तो जनता को धन्यवाद करते हैं और जनता का मन इस बार बहुत मजबूत हो गया। मेंबरशिप की हमारी लास्ट डेट है 31 मार्च, मेंबरशिप के बारे में भी बात कर रहे थे, और हमारा संगठन का कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहता है, तो आज आने वाले अब 1.5 साल रह गया चुनाव का, उसके बारे में हमारा जो मंडल सेक्टर और बूथ स्तर की जो कमेटियां बनी है उसके बारे में सब लोगों से मिलने का निर्णय लिया था, और जो उनके सुझाव संगठन में और क्या अच्छा किया जा सकता है जनता के हितों के लिए उसके बारे में लोगों से बात की है। तो आपको अभी क्या लगता है कि कांग्रेस का जो 2023 के चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए जुड़ गई है? कांग्रेस बहुत लंबे समय से 2023 के चुनाव के लिए जुटी हुई है। जिस दिन हमारे साथ कुछ लोगों ने धोखा करा था, जिस दिन चुनाव जीते थे 2018 का, 2023 की तैयारी तो उसी दिन से कर दी थी, और जिस दिन कुछ गद्दारों ने धोखा करा उसके बाद और मजबूती के साथ कांग्रेस 2023 के अंदर दोबारा वापस सत्ता में आएगा। संगठन का कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहता है, तो आज आने वाले अब 1.5 साल रह गया चुनाव का, उसके बारे में हमारा जो मंडल सेक्टर और बूथ स्तर की जो कमेटियां बनी है उसके बारे में सब लोगों से मिलने का निर्णय लिया था, और जो उनके सुझाव संगठन में और क्या अच्छा किया जा सकता है जनता के हितों के लिए उसके बारे में लोगों से बात की है। तो आपको अभी क्या लगता है कि कांग्रेस का जो 2023 के चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए जुट गई है? कांग्रेस बहुत लंबे समय से 2023 के चुनाव के लिए जुटी हुई है। जिस दिन हमारे साथ कुछ लोगों ने धोखा करा था, जिस दिन चुनाव जीते थे 2018 का, 2023 की तैयारी तो उसी दिन से कर दी थी, और जिस दिन कुछ गद्दारों ने धोखा करा उसके बाद और मजबूती के साथ कांग्रेस 2023 के अंदर दोबारा वापस सत्ता में आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।